हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने इस वीडियो सीरीज के प्रीवियस वीडियो तक इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रखी थी और कुछ एग्जांपल्स को भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को उन एग्जांपल्स को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां से भी जाके उन वीडियोस को उन एग्जांपल्स को आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल को, जो कि बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आसान है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम शुरू से लेकर आखिर तक जितना हो सके उतना सिंपल और आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। ठीक है, हम आखिर तक डिस्कस करेंगे, तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो अब बात करते हैं म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के बारे में। म्यूलर ब्रेसलो के प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ने से पहले हम म्यूलर ब्रेसलो के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, म्यूलर ब्रेसलो का जो पूरा और जो रियल नेम था वो था हेनरिच फ्रांस बेनहार्ड म्यूलर, जो कि थोड़ा कठिन था, लेकिन म्यूलर ने अपने इस नाम को इसलिए चेंज किया ताकि वो दूसरे जो बाकी सारे म्यूलर्स थे उनसे अपने नाम को थोड़ा अलग कर सके। ठीक है, उन्होंने अपने नाम को अपने शहर के नाम के साथ ज्वाइन किया। मतलब क्या है कि उनके जो शहर का नाम था वो था ब्रेसलो। ब्रेसलो वो शहर था जिसके अंदर म्यूलर का जन्म हुआ था और उसी लिए म्यूलर ने अपना नाम रखा, मतलब अपनी पहचान बनाई कि दैट आई एम म्यूलर फ्रॉम ब्रेसलो, और वहां से उन्हें फिर जाना गया म्यूलर ब्रेसलो के नाम से। ठीक है, ये उनके नाम के बारे में था। अब म्यूलर ब्रेसलो जो थे वो एक जर्मन सिविल इंजीनियर थे और उस समय के उनके समय के वो एक हाई स्कूल के टीचर भी रहे थे। ठीक है, और खास बात ये है कि उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर काफी हद तक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्हीं में से एक है म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? म्यूलर ब्रेसलो का प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंटरनल रिएक्शन कंपोनेंट या फिर इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट है जो कि कुछ स्मॉल डिस्टेंस तक एक्ट कर रहे हैं, उनके एक्शन की वजह से वो उस स्ट्रक्चर को डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन देंगे। वो डिफ्लेक्शन का जो कर्व बनेगा वो कर्व आपको इन्फ्लुएंस लाइंस देगा कुछ स्केल तक, अप टू सम स्केल वो आपको इन्फ्लुएंस लाइंस देगा। ठीक है, और उसी को हम उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कह सकते हैं। ये आपको म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल कहता है। अब इस प्रिंसिपल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए और डेरिवेशन के जरिए और अच्छी तरह समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं टू स्पान कंटिन्यूस बीम। टू स्पान कंटिन्यूस बीम का क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए आपके पास एक ये पूरा स्पान है जिसका ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट यहाँ पर बी है और ये सपोर्ट यहाँ पर सी है। ठीक है, तो आप अगर गौर करोगे तो ये ए बी स्पान एक स्पान हो गया और बी सी स्पान सेकंड स्पान हो गया। इसे हम कहेंगे टू स्पान कंटिन्यूस बीम। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज़ के अंदर क्या कंसिडर करनी है कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है इसे हम कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पर यूनिट लोड आपका एक्ट हो रहा है और ये जो यूनिट लोड है ये आपका सपोर्ट ए से स्मॉल एक्स की दूरी पर है। ओके, ये जो आपका लोड यूनिट लोड है जो कि कैपिटल एक्स पर है वो अभी फिलहाल सपोर्ट ए से स्मॉल एक्स की दूरी पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल आगे क्या कहता है? आपको इसके अंदर करना क्या है कि जो सपोर्ट बी है आपको यहां पर रिएक्शन निकालना है। आपको क्या करना है? रिएक्शन निकालना है। तो ये आपको क्या करना होगा? इस सपोर्ट बी को रिमूव कर देना होगा। ये सपोर्ट बी आपको रिमूव करोगे तो क्या होगा आगे देखिए। ये हमने इस तरह से कुछ अलग से और एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर सपोर्ट ए तो वही है, सी भी वही है, हमने बी को रिमूव कर दिया। ठीक है, बी को हमने जैसे रिमूव किया वो जो बीम है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से ये शेप डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्लेक्टेड शेप तो ये कितना होगा? यहाँ पर आपका सपोर्ट बी था, ठीक है, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ होगा? तो ये डिफ्लेक्ट हो, हम जनरली डिफ्लेक्शन की जो साइन होती है उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा बी मतलब डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू एक्स होगा।
क्योंकि अभी बी के ऊपर तो फिलहाल कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस लोड की वजह से होगा, और ये लोड अभी फिलहाल एक्स के ऊपर है, तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू एक्स होगा। अब बात करते हैं ये जो एक्स पॉइंट है यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू एक्स, क्योंकि अभी फिलहाल लोड कहाँ पर है, एक्स के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ था इसका जो सबको समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर बी के ऊपर और एक्स के ऊपर हमने देख लिया। अब क्योंकि ये मूविंग लोड होता है, हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अंदर यूनिट लोड को एज अ मूविंग लोड कंसिडर करते हैं, उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कंसिडर करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्योंकि ये मूविंग लोड है तो अभी ये एक्स पर था, अब यहाँ पर मान लीजिए ये बी पर आ चुका है, अब आपका लोड जो है वो बिल्कुल बी के ऊपर आ चुका है, तब इसका डिफ्लेक्शन शेप किस तरह से बनेगा और क्या इसका फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर ये इसका हमने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है, ए और सी एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसका नया डिफ्लेक्शन बनेगा, डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, और ये जो डिफ्लेक्शन होगा, अब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, अब ये डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्शन एट बी, मतलब डेल्टा बी, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू बी, क्योंकि लोड अभी कहाँ पर है, बिल्कुल बी पर ही है, तो बी के ऊपर बी की वजह से डिफ्लेक्शन, यही मतलब होता है इस डिनोटेशन का। ठीक है, बी के ऊपर बी की वजह से डिफ्लेक्शन। अब एक्स की अगर बात करें, यहाँ पर कहीं एक्स पॉइंट हमारा हमने कंसिडर किया था, तो एक्स के ऊपर डिफ्लेक्शन कितना होगा, एक्स के ऊपर डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू बी, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू बी, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हमने दो ग्राफ, दो डायग्राम बहुत सिंपल तरीके से प्लॉट किए हैं, और इसे मैंने जहाँ तक हो सके वहाँ तक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिफ्लेक्शन अभी देख लिया, अब चलिए आपको इसके अंदर एक और चीज़ कंसिडर करनी होगी, और वो थी यहाँ पर, वो होगी यहाँ पर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन आपको क्या कहता है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन कहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब डेल्टा बी एक्स इज इक्वल टू दिस डिफ्लेक्शन, आपको ये कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन कहेगा। मतलब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन अगर ले हम कंसिडर करें, तो रिएक्शन आर बी होगा, रिएक्शन कितना होगा आर बी इंटू, वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा बी बी है, डेल्टा बी बी यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, इज इक्वल टू दिस, ये पूरा हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा बी एक्स, इज इक्वल टू डेल्टा बी एक्स, ये आपको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड कहता है। ठीक है, कि भाई ये डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ये डिफ्लेक्शन, मतलब के आर बी इंटू डेल्टा बी बी इज इक्वल टू डेल्टा बी एक्स। ओके, एक और चीज आपको यहां पर कंसिडर करनी होगी, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थियरम। अब मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थियरम क्या कहता है आपको, कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा बी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी, ये आपको मैक्सवेल का रेसिप्रोकल थियरम कहता है। इसका मतलब डेल्टा बी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी होगा। अब डेल्टा बी एक्स हमें पता है, डेल्टा बी एक्स क्या है, डेल्टा बी एक्स इज इक्वल टू आर बी इंटू डेल्टा बी बी विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी, ये आपका हो गया। ठीक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर रिएक्शन निकालना है, तो आर बी को यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, आर बी को क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा, तो इसका मतलब जो पूरा रिलेशन आपको मिलेगा वो डेल्टा एक्स बी डिवाइड बाय डेल्टा बी बी मिलेगा आपको, इस तरह से ये पूरा रिलेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो डेल्टा बी है इसे हम वन कंसिडर कर लेते हैं, इफ़ डेल्टा बी बी इज इक्वल टू वन और यूनिट, तब क्या होगा, तब होगा डेल्टा सॉरी आर बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी, तब क्या होगा आर बी, मतलब यहाँ जो रिएक्शन होगा आर बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी। इसका मतलब ये है, अगर हम इसे जस्टिफाई करें तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कितना होगा, तो जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा एक्स के ऊपर बी की वजह से, उतना रिएक्शन आर बी का होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरे, या फिर हम कह सकते हैं कि आर बी कितना होगा, तो भाई जितना डिफ्लेक्शन एक्स के ऊपर बी की वजह से होगा उतना आर बी होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू बी। ओके, यही इसका मतलब हुआ। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फाइनल डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन कर्व फॉर सॉरी आई एल डी फॉर आर बी, मतलब रिएक्शन बी का इन्फ्लुएंस लाइन ये होगा। ठीक है, ये आपको म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल में मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, और इसको हमने आखिर में यही देखा है कि ये जो आपका डिफ्लेक्टेड कर्व बन रहा है ये होगा आपको, ये बताएगा इन्फ्लुएंस लाइन। एक्स यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोड की पोजिशन डिस्टेंस होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको आप हर एक डिस्टेंस के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस लाइन है, क्या इन्फ्लुएंस लाइन है, क्या रिएक्शन है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके और सारे बहुत एग्जांपल्स है जो हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। इनडिटर्मिनेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो प्रीवियस वीडियो तक हमने डिस्कस किया था वो था डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, शुरू करेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए आईएलडी किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।